राजपूत है, मैं पता है शाही थाने के पास गांव है कुलचा, उसमें रहता हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान है लाल कुआं पे। उस लाल कुआं की दुकान पे रात 29-30 की रात को चोरों ने ताला तोड़ के, हाईवे के पास में ही दुकान है, फिर भी उसमें चोरी कर ली। कई घंटे तक उपद्रव काटते रहे वो। इसके बाद भी वहाँ पुलिस प्रशासन की ड्यूटी रहती है, लेकिन उन्होंने भी कोई उसमें संघ का समाधान नहीं देखा। और जो चौकीदार रहता है उसने भी किसी को जज नहीं कर पाया। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। शिकायत करने पर फिर तहरीर ले ली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, चोर पकड़े नहीं जाते हैं, चोरों के हौसले बुलंद हैं। और हम लोगों के रिपोर्ट दर्ज हुई थाने में आपकी? रिपोर्ट तहरीर दी है, तहरीर ले लिए, लिखित में कुछ नहीं किया। अच्छा, साहब के पास आए तो क्या कहा साहब ने? साहब ने सिर्फ आदेश करके दे दिया है, बस आश्वासन दे दिया है। इसके अलावा अभी जब तक हमारे सामान बरामद नहीं होगा, चोर नहीं पकड़े जाएंगे, हमारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि चोरों को पकड़ा जाए, दंडित किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। कितने हज़ार का सामान चोरी हो गया होगा? लगभग 50,000 की चोरी हुई, लेकिन चोरियाँ अक्सर होती रहती हैं वहाँ पर और खुलासा नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का भय का। ठीक, हम लोगों को बहुत भय है, बहुत डर रहता है। जमीन गिरवी रख के दुकानों में सामान लगाते हैं, छोटी सी मार्केट है, छोटा सा कारोबार है, और उसके बावजूद अगर चोरी हो जाती है, पीड़ित पक्ष की कोई सुनने वाला है नहीं। थाने में सिर्फ तहरीर, थाने का रिकॉर्ड ये है 10 साल तक उनके रिकॉर्ड में कोई चोरी नहीं हुई, जबकि वहाँ 6 महीने में एक चोरी हमेशा होती रहती है। थाना थाना साहब,